ओके सुपर वेरी क्रिएटिव वर्क इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट पिक्चर ऑफ द डिकेड सब सारे अटैक पाकिस्तान को खत्म कर दो एंजॉयड इट अमेजिंग पाकिस्तान में घुस गया मानना बहुत बढ़िया लगे मुझे ब्लॉकबस्टर कड़क कड़क मिक्सर है बहुत मजा आया मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ भारत माता की जय ऋतिक रोशन बहुत बढ़िया मूवी थी जय हिंद इट्स अ नॉर्मल स्टोरी नथिंग न्यू ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन ये मूवी सबसे ज्यादा बेस्ट लगी मुझे इट्स वेरी नाइस कैसी लगी मूवी Good. Okay. मैम कैसी लगी मूवी? Superb, absolutely gorgeous, amazing movie. Best part movie है? First half, second half दोनों बढ़िया थे. Climax, VFX, action, everything was good. Very, very creative work. Nice, nice storyline. तेजस देखा नहीं मैंने. Have you seen Tejas? इधर पूछो कैसी लगी? It was out of the world. बेस्ट पिक्चर ऑफ द डिकेड बेस्ट पार्ट मूवी का क्या लगा सर बेस्ट पार्ट लगा ऋतिक रोशन एंड वीएफएक्स वाले वो सब कैसे लगे कौन वीएफएक्स बाकी शॉट बॉट सब अच्छा था बहुत अच्छा था पिक्चर अनिल कपूर आल्सो इज वेरी गुड वेरी गुड बेस्ट पार्ट मूवी का सब सारे अटैक पाकिस्तान को खत्म कर दो बेस्ट पार्ट मैम मूवी वेरी नाइस बेस्ट पार्ट आपका एवरीथिंग सर कैसी लगी गुड गुड मूवी नाइस बेस्ट पार्ट मूवी का एवरीथिंग वाज गुड सुपर वेरी नाइस एवरीथिंग वाज गुड बहुत अच्छे थे वेरी नाइस ऋतिक एवरीवन वाज वेरी नाइस दीपिका वाज सुपर लवली एंजॉयड इट अमेजिंग बेस्ट पार्ट मूवी का द लास्ट सॉन्ग एंड मैम मूवी के अंदर काफी कुछ दिखाया गया था रियल इंसिडेंट्स भी दिखाए गए थे हां तो तब कैसे लगा वर्चुअली जब वो सामने दिखाया गया हमारे जैसे पुलवामा अटैक पूरी का जो हां नो द एंटायर मूवी वाज फैंटास्टिक आई कांट पुल आउट एनी सीन इट वाज ऑल टू गुड कास्ट में से बेस्ट आपको कौन लगे ऋतिक रोशन अनिल कपूर Oh, he's too good for his age. पांच में से कितना स्टार है? After five, five onto five. Thank you. बढ़िया मूवी है. Best part क्या लगा मूवी का? बढ़िया है. पाकिस्तान में घुस गया मानना. भाई कैसी लगी पिक्चर? बहुत मस्त था. Best part क्या लगा मूवी का? Best part वो last scene का जो था अभी fight सबसे ज़्यादा. हाँ जाइन के जो माता वो ही अच्छा लगा. हाँ वो भी देखा थोड़ा. अच्छा था लेकिन अपना बता रहा था उतना इसकी एक्टिंग बेस्ट लगी आपको सबसे बेस्ट तो अपना ऋतिक रोशन का है दीपिका पादुकोण का है अनिल कपूर का है पांच में से कितना स्टार दोगे हां पांच में से कितना पांच में से चार स्टार दूंगा जरूर थैंक यू भाई सर बहुत बढ़िया लगे मुझे पसंद आए पिक्चर क्या अच्छा लगा मूवी में बहुत अच्छा लगा सर सब कुछ अच्छा लगा भाई मूवी के अंदर पुलवामा अटैक के बारे में भी दिखाया गया है वो बराबर है ठीक था सब बनारस के पांच में से कितना स्टार दोगे हां जी पांच में से कितना स्टार दोगे समझे नहीं में से कितना स्टार दोगे चार स्टार दूंगा सर चार स्टार बहुत अच्छी क्या अच्छा लगा मूवी में हाइट अच्छी लगी बाकी कुछ नहीं वाह रियल अच्छा भी था भाई मूवी का वीएफएक्स एनिमेशन था वो कैसा लगा अच्छा लगा एकदम बेस्ट पांच में से कितना स्टार दोगे हां पांच में से कितना स्टार दोगे 100 में 100 बहुत अच्छा भाई कैसी लगी मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी अच्छी है भाई कैसी लगी भाई बहुत अच्छी थी भाई बहुत भाई कैसी लगी मूवी एक नंबर मूवी ठीक है भाई ठीक है जबरदस्त एक नंबर भाई कैसी लगी मूवी एकदम अच्छी लगी भाई ऋतिक मस्त मस्त एकदम बेस्ट बेस्ट भाई कैसी लगी बेस्ट भाई कैसी लगी कड़क कड़क मिक्सर है बेस्ट पार्ट क्या लगा मूवी बेस्ट क्लाइमैक्स बहुत भारी है क्लाइमैक्स हां एक नंबर ये मूवी है अंकल कैसी लगी मूवी बेस्ट वेरी नाइस कि लास्ट में जब फाइटिंग होती है जय हिंद बोलकर जो हां मूवी के अंदर पुलवामा अटैक वो सब भी दिखाया गया था तो मामला तो कैसा था कौन सी इस पे आएंगे ये वायरल बॉलीवुड वायरल वैली बहुत अच्छा था सुपर हिट पिक्चर रही बहुत अच्छी रही पिक्चर बेस्ट पार्ट क्या लगा भाई बेस्ट पार्ट एयरक्राफ्ट का जो मारता है वो अच्छा लगा मुझे और जो लास्ट में जान बचाता है ना बहुत मजा आया मुझे ऋतिक बहुत पसंद है मैम कैसी लगी बहुत 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 अच्छी लगी अमेजिंग बेस्ट पार्ट लास्ट का हम ऋतिक रोशन जब उसने बोला आईओपी इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान हम कर सकते हैं पर
हम नहीं करेंगे। जी 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 जी, मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि जब वो अटैक हुआ था हम सबको कैसा लगा था। तो पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है और भारत माता की लास्ट में जब टेररिस्ट को मार दिया। बेस्ट पार्ट मूवी का ऋतिक रोशन भाई, कैसा लगा मूवी भाई? बोला तो अब मस्त थी, प्रीटी अमेजिंग। कैसी लगी मूवी? अच्छा है भाई, कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी थी। जय हिंद। बहुत बढ़िया मूवी, अमेजिंग 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 मूवी। मूवी जैसी थी, टाइम पास। हां, मूवी के सीन्स कैसे लगे आप? सीन्स पूछ रहे हो या मूवी का? अच्छा, रिव्यू पूछ रहे हो? रिव्यू पूछ रहे हो। ओके, रिव्यू बोलेगा तो देख सकते हैं, बट उतना तो आर्मी के बारे में फुल्ली डिटेल्ड ऐसा कुछ नहीं है। एज अ नॉर्मल स्टोरी है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री का पॉलिटिक्स वगैरह बताया है। मूवी में अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ था पुलवामा अटैक, ये वो सब उसके बारे में भी दिखाया गया था। नहीं उतना विजुअल्स में उतना लाए, मतलब कैसा बोल सकते हैं कि डायलॉग्स उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और फीलिंग उतना ये नहीं है। आर्मी का काम जो होता है वही है, उसके ऊपर बोलेगा तो ओके नहीं एक दो मिनट ना ओके मतलब वही है। बाकी क्या बोल सकते हैं कि इट्स अ नॉर्मल स्टोरी, नथिंग न्यूली टू एन इंडियन मूवी, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। बट या फॉर थिएटर के मतलब एक्सपीरियंस के लिए हम लोग देख सकते हैं। बाकी कुछ पाँच में से स्टार्स बोलेंगे तो ठीक है, लोकेशंस वाइज इज़ वेरी गुड, ठीक है, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए एक स्टार दे सकते हो। फिर डायलॉग उसके लिए एक स्टार दे सकते हो। फिर चलो वी कैन गो फॉर 2.5 to 3, उसके ऊपर तो नहीं दे सकते। ओके ओके, दिस इज एब्सोल्युटली वन एंड एक्शन वॉज ऑसम। बेस्ट पार्ट मूवी का क्या लगा? बेस्ट पार्ट बॉडी एंड एज वेल एज द डेडिकेशन ऑफ कंट्री। VFX action की बात करें तो VFX not that much VFX, but yeah, real shooting was very good. काफी सारे कास्ट थे, आपको किसका काम बेस्ट लगा? Of course, Ritik Roshan. Ritik Roshan. Yeah. आपके favorite? Yeah. Thank you. ये मूवी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे, चाहे टाइगर 3 हो चाहे एनिमल हो, मुझे सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट लगी। एक तो ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है, अलग से जो भी मूवी स्टोरी ए टू जेड सारे एक्शन वगैरह सब कुछ फुली बेस्ट। एक्शन था वो कैसा लगा? एक्शन सुपर था और सब कुछ, मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मूवी में जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए थे जैसे पुलवामा अटैक हो गया, पूरी स्ट्राइक्स हुआ था, उसके बारे में ये तो है इमोशनल सारी चीज़ें फुल में, जो भी सिचुएशंस है जैसे कंडीशन आए तो सब कुछ फील, सारी की सारी सच में फील हुई है। जो भी देशभक्ति के ऊपर पूरी की पूरी फील है इस मूवी में, और जैसे पुलवामा अटैक हुए हैं तो उस टाइम सब साइलेंट हो गए एकदम, जैसा मतलब जैसा एक हम जैसा फील करते हैं वो सब कुछ वैसा ही था मूवी में। आपको किसका काम बेस्ट लगा? मुझे तो मूवी में सभी टोटल सब बेस्ट लगे, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे अनिल कपूर हो, या दीपिका पादुकोण हो, कोई भी, मुझे सब अच्छे लगे सब इस स्टोरी में। और जो ताज हैं, जो विपाशा बासु उनके हस्बैंड हैं, हाँ, वो भी सच में बहुत अलग ही सब कुछ, मुझे सबका जो रोल है इस मूवी में अलग ही रियल टाइप रियल लगा। ये नहीं लगा कि मूवी ये सब कुछ रियल की तरह फील की, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स है वो रियल में जब वो उनकी फाइट्स होती होगी तो कैसी होती होगी। सब कुछ काफ़ी ऑसम, बहुत ही अलग। और फील जो जब उनके जैसे कि पुलवामा अटैक्स जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये सारी चीज़ें तो अलग ही फील हुई उसमें कि ऐसा सच में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को जो देश के लिए गलत करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो हमारे हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ इंडियन एयरफोर्स, तो वो सारी चीज़ें वो सब कुछ बहुत ही ऑसम। और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं रियल हीरोज़, तो वही हैं वो, तो जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस, इन्होंने उनका रोल प्ले किया है, उन्होंने बताया ऐसा, लेकिन इन्होंने जहाँ तक है बहुत ही अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा फील कराया उनके ऊपर। क्योंकि हमें तो ऐसे पता नहीं लगता कि एयरफोर्स में वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो
लड़ाई वगैरह जो भी चीज़ें होती है हम कैसे करते हैं नहीं करते ये वो, लेकिन जो इन्होंने दिखाया ताकि हमें फील हो कि हाँ ऐसे किया जाता है और सब कुछ बहुत अच्छा, उनकी स्ट्रगल लाइफ सब कुछ बहुत अच्छी। और ये मूवी 5 में से 5, मैं तो 5 में से 10 दूँ, ये मूवी मुझे सबसे ज़्यादा हिट लगी, ये मूवी सबसे ज़्यादा हिट लगी। मैं टाइगर 3 भी देखने आया, एनिमल भी, जवान भी, A to Z सारी की सारी मूवी, मगर मुझे सबसे ज़्यादा हिट फाइटर ही लगी। फाइटर मूवी रियली गुड, ऑसम, 5 स्टार दूंगा मैं इस मूवी को सच में। जय हिंद।